वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी दे 400 साल पावन प्रकाश दिवस नूं मुख रखदिआं एक ओंकार 31 राग संस्था वल्लों साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी दी पावन बाणी नूं निर्धारित रागां विच गायन करके व्याख्या सहित संसार दे हर मनुख तक पहुँचाउण दा एक महान वड्डा उपराला कीता जा रहा है। इस लड़ी तहत अज आप जी दे नाल जिस पावन शब्द की विचार सांझी कर रहे हाँ, ये पावन शब्द सारंग राग अंदर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी का उच्चारण किया हुआ आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 1231 ते अंकित है। इस दुनिया में दो तरह के मनुख ने, एक वो ने जो अपनी जिंदगी व्यर्थ और बर्बाद गवा के चले जाते हैं, जीवन दे अंदर दुख और अशांति दा सामना करते ने, दुखी और अशांत रहिंदे ने, ते कल्ला आप ही दुखी और अशांत नहीं रहिंदे, इस संसार और समाज नूं भी दुखी और अशांत करन दा कारण बनते ने, उन्हां दा जीवन व्यर्थ और बेकार गवाच गया। लेकिन इस दुनिया दे अंदर कुछ ऐसे इंसान भी ने जिन्हां दे जीवन दी सोच बड़ी उच्ची है, जिन्हां दे बोल बड़े प्यारे ने, जिन्हां दा बिहेवियर बहुत चंगा है, जो इस दुनिया अंदर सुखी और शांति वाली जिंदगी जींदे ने, ते केवल आप ही सुखी और शांत रही हन, वो बाकी संसार नूं भी सुखी और शांत करन दा यतन करदे ने, तां गुरदेव पातशाह इस पावन शब्द राहीं सानूं समझा रहे हन और वरज रहे हन कि अपने जीवन नूं बेकार और व्यर्थ ना गवाओ। ये जीवन बड़ा कीमती है, इस जीवन की सही वरतों करके जिथे अपने जीवन नूं सुचज्जा करो, उत्थे इस संसार नूं भी बेगमपुरा बनाउण दा यतन करो। तां गुरदेव पहला बचन करदे हन, कहा नर अपनो जन्म गवावै, कि यह मनुख क्यों अपने जीवन नूं गवा रहा है, क्यों अपने जीवन नूं घट्टे मिट्टी विच रोल रहा है, क्यों अपने जीवन नूं बर्बाद कर रहा है। हुण जीवन गवाउण दा मीनिंग की है? देखो, भगत कबीर जी ने सानूं समझाया है, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए, हीरा की है ते कौड़ियां की ने। सत संतोख दया धर्म धीरज ज्ञान वैराग निमानता सेवा सिमरन प्रेम आदिक जो शुभ गुण ने, यह हीरे ने। मनुख इस जिंदगी दे अंदर इन्हां शुभ गुणों का धारनी हो सकता है, ऐसी चंगी जिंदगी जी सकता है, लेकिन यह बदकिस्मती नाल काम क्रोध लोभ मोह हंकार आसा तृष्णा चुगली निंदा झूठ फरेब पाप विकार इन्हां नूं विहाज रहा है, इन्हां दे विच अपना समा बर्बाद कर रहा है। इसे नूं कहिंदे ने जिंदगी दा गवा देना, बेकार गवा देना। तां गुरु पातशाह जी कहिंदे ने, ऐ मनुख क्यों अपने जीवन नूं बर्बाद कर रहा है, ते ओह बर्बादी दा कारण की है। मद माया मद बिख्या रस रचियो राम सरन नहीं आवै। माया मद, मद दा मतलब नशा, माया दा नशा, बिख्या दा मतलब जहर दा रस, माया दा नशा और माया दे इस जहर दे अंदर तू रचिया होया है। हुण माया की है? मैं पहला भी बेनती कर चुका हाँ, माया केवल पैसा और प्रॉपर्टी दा नाम नहीं है। पैसा हर इंसान दी जरूरत है, रोटी कपड़ा और मकान पैसे दी तो बिना ये प्राप्त नहीं होंगे, पैसा हर इंसान की लोड़ है, इसलिए पैसा माया नहीं है। बहुत सारे लोगों ने औरत नूं माया किया है, लेकिन औरत माया नहीं है। औरत नूं गुरु पातशाह जी ने मान आदर और सत्कार दिता है और बचन किया है, सो क्यों मंदा आखिए जित जमै राजान। भगत कबीर जी तो बचन करते ने, जेते औरत मरदा साजे ए सब रूप तुम्हारे, कबीर पूंगरा राम अल्लाह का सब गुर पीर हमारे। तो इत्थे माया एक मैंटैलिटी का नाम है। माया का मतलब वो सोच, जो सोच मनुख नूं मनुख दे नाल रब वर्गा प्यार और विहार नहीं करन दिंदी, वो सोच जो मनुख नूं अंदरों होर और बाहरों होर बना दिंदी है, वो सोच जिस करके मनुखी जिंदगी विच मेर तेर दे वितकरे पैदा हुंदे ने, उस सोच नूं माया कहिंदे ने। ते ऐसी सोच जिहड़ी है जहर है, ऐसी सोच आत्मक मौत लियाण दा कारण बनदी है। तां गुरु जी कहिंदे ने, ऐ मनुखा क्यों अपनी जिंदगी नूं व्यर्थ गवा रहा है,
तू इस माया वाली सोच दे नशे विच और माया दे जहर दे नशे दे अंदर रचिया होया है। राम सरण नहीं आवे पर तू रब दी शरण विच नहीं आउंदा। रब्बी गुणा दा धारनी नहीं हुंदा, रब्बी रजा दे अंदर नहीं तुरदा, रब दे गुणा नू अपनी जिंदगी विच इंप्लीमेंट नहीं करदा। अपने जीवन नू तू क्यों बर्बाद कर रहा है? यह संसार सगल है सुपनो, देख कहाँ लोभाव है। ये सारा संसार सुपने की तरह है, संसार का मोह सुपने की तरह है। जिमें सुपने के अंदर जो पदार्थ सानू दिसते ने जां जिन्हां पदार्थां दी सानू मलकीयत मिलती है वह सच्चे प्रतीत हुंदे ने, सच्चे प्रतीत हुंदे ने। पर जदों नींद खुलती है, जाग आउंदी है, सुपना टुटदा है तो समझ आ जाती है कि वह पदार्थ तो है ही नहीं। जिस राज सिंघासन ते मैं बैठा सा वह तो है ही नहीं सी, वह तो केवल एक सुपना सी, मेरा भुलेखा सी, वह सुपना नींद का है। लेकिन कुछ बंदे दे जागदे सुपने ने, जागद्या भी इसकी जिंदगी दे अंदर भरम और भुलेखे ने, पर जदों ज्ञान हुंदा है उदों ये भरम भुलेखे टुट जाते हैं। तो गुरु पातशाह जी कहिंदे ने जो विषय विकार तो कमा के सुखां दी आस लाई बैठा है ये भी उस सुपने की तरह ही हैं, वह सही नहीं हैं। इन्हां दे विच क्यों लुभाएमान हो रहा है? जो उपजै सो सगल विनाश है, रहन ना को उपावे। जो भी उपजया है, पैदा होया है, एक दिन उन्हें बिंस जाना है, एक दिन उसने मर जाना है। जो उपजे सो बिंस है, जिहड़ा भी दुनिया विच आया है उन्हें चले जाना है। जिन्हों जन्म मिलया है उसकी मौत होवेगी। रहन ना को उपावे, कोई भी इस दुनिया के उत्ते सदा थिर नहीं है। ज़्यादा ज़्यादा कुछ लंबी उम्र जी लवेगा। तो बाबा फरीद जी कहिंदे ने जे सैकड़े साल लंबी जिंदगी भी मिल जाए तां वी आखिर मरना तो पवेगा। जे सौ वरिया जीवना भी तन हो सीखे, जे सैकड़े साल लंबी जिंदगी भी मिल जाए आखिर ये शरीर ने खे हो जाना है। इस दुनिया ते सदा किसी ने नहीं रहना, भाव कि ये जिंदगी सीमित है ते इस सीमित जिंदगी नू विषय विकारां विच ना गवाओ। जीवन दे अंदर किसी सियाने ने कहा है जे आए हो तो दो काम कर जाओ, जां ऐसी जिंदगी जीवो कि लोग तुहाड़े बारे लिखते रहन चंगा, जां कुछ ऐसा लिख जाओ कि तो लोग तुहाड़ियां लिखतां नूं पढ़ते रहन। मिथ्या तन साचो कर मान्यो, यह बिद आप बंधावे। गुरु पातशाह जी कहिंदे ने शरीर सदा रहन वाला नहीं है, इहनूं सदैवी जीवन समझ लिया है, इस करके व्यर्थ ही पापां और विकारां दे अंदर अपने आप नू बनाई रखता है, अपनी सोच नू विषय विकारां दे अंदर जड़ी रखता है। जन नानक सौ जन मुक्ता, राम भजन चित लावै। राम भजन का मतलब रब्बां दे रब दे गुणा दे अंदर अपने चित नू लाना, सिफत सलाह दे अंदर चित नू लाना। तां गुरु पातशाह जी कहिंदे ने हे भाई, वो इंसान ही मुकत है, जीवन मुक्ति का आनंद माणदा है, विषय विकारां पापां विकारां तो मुकत हो जाता है। जिहड़ा बंदा रब्बी सिफत सलाह दे नाल अपना मन जोड़दा है, भाव के जो रब्बी गुणा नूं अपने जीवन दे अंदर प्रयोग विच लिआउंदा है, वरतों विच लिआउंदा है, रब्बी रजा विच तुरदा है, वह इंसान जीवन मुक्त हो जाता है। गुरु की रहमत करन असी गुरु पातशाह जी की पावन बाणी मुताबक जिंदगी जी के जीवन मुक्ति का आनंद माण सकीए। हुईयां भुलां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की।
सुपनों
सारे 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 रे सारे मा मारे मा बा 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 नी मा बा रे मा सारे नी सारे सारे मारे सारे मारे सारे मारे सानी सा का Papa, ni sare papa, ka na re.